बमोरी यानी कि महेंद्र सिंह सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र। सिसोदिया इससे पहले तक लगातार दो चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते। सिंधिया समर्थक थे इसलिए कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी में आ गए। बीजेपी से उपचुनाव लड़ेंगे, पर कांग्रेस से ऐसा चेहरा कौन हो सकता है जो बमोरी में सिसोदिया को मात दे सके? इसका जवाब मिला है KR अग्रवाल के रूप में। अग्रवाल का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अग्रवाल पहले बमोरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। बमोरी में अच्छी पकड़ रखते हैं और पिछले चुनाव में टिकट न मिलने से बीजेपी से खार खाए बैठे हैं। माननीय BD शर्मा जी, जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोले कि अग्रवाल साहब, आपने आज हमारी इज्जत रख ली और मुझे मंत्री बुलाया। वोट संख्या नहीं आती तो ये अमित शाह जी का दौरा, और उसके 20 दिन बाद आप मेरा टिकट काट रहे हो। आप ये तो विचार करते कि जनता किसके साथ है। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी देगी, मैं तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। KR अग्रवाल का कांग्रेस में शामिल होना एक तरह से पार्टी की ताकत बढ़ाना है, जिसकी खुशी कमलनाथ के चेहरे पर भी साफ नजर आई। अग्रवाल जी, KR अग्रवाल जी को मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, ये भी आप सुन ले। जब मैं पहली दफा इनसे मिला था कुछ महीने पहले, मैंने इनसे पूछा था आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। कहते ये बिकाऊ लोग जो हैं, इनको घर बिठाने का मेरा लक्ष्य है। अग्रवाल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब कम से कम कांग्रेस के लिए बमोरी की चिंता तो खत्म हो ही गई। हालांकि अग्रवाल का कहना है कि टिकट की खातिर उन्होंने दल नहीं बदला है, पर उपचुनाव में टिकट उन्हें मिल जाए तो हैरानी भी नहीं होगी।